Subscribe the channel and click on bell icon for notifications and latest updates. In this video of DIY Areeb, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं एक visitor counter. So let's start. ये visitor counter होता क्या है? तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके रूम में कितने लोग हैं उसकी काउंटिंग करेगा और उसी हिसाब से लाइट्स को ऑन या ऑफ करेगा. मान लीजिए कि अगर मैंने इसको अपने गेट पर लगा दिया तो ये कितने आदमी अंदर आ रहे हैं और कितने आदमी बाहर जा रहे हैं उसकी काउंटिंग करेगा और अपने डेटाबेस में ये सेव करते जाएगा कि कितने लोग अंदर हैं और कितने लोग बाहर चले गए. अगर रूम में अगर कोई नहीं मौजूद रहेगा तो वो लाइट्स को ऑफ कर देगा और अगर कोई रूम में मौजूद रहेगा तो वो लाइट्स को ऑन कर देगा. सो इसको बनाने के लिए हम लोग को चाहिए एक आर्डुइनो ओनो, दो आईआर सेंसर्स, एक इन के लिए एक आउट के लिए. तो मैं ये काम कैसे करेगा, तो एक इन वाला जो आईआर सेंसर है उसको मैं एंट्री साइड पे लगा दूंगा यानी जिधर से लोग आते हैं और ये जो दूसरा आउट वाला सेंसर है इसको मैं लगा दूंगा जिधर आउट साइड पे यानी जिधर से लोग निकलते हैं. तो जैसे ही अगर कोई अंदर की तरफ आएगा तो ये वाला जो आईआर सेंसर है ये ट्रिगर हो जाएगा और आर्डुइनो में +1 दे देगा. फिर उसके बाद वो यहाँ से क्रॉस करेगा, ठीक है, और ये वाला आईआर सेंसर जब ट्रिगर होगा तो वो एक माइनस साइन देगा. मान लीजिए अगर दो आदमी रूम के अंदर आते हैं तो दो आदमी की रीडिंग ये देगा +1 +1 और जब मान लीजिए कि एक ही आदमी अगर निकल रहा है तो वो लाइट्स ऑन रहेगी. जब तक दोनों आदमी नहीं निकलेंगे लाइट्स ऑफ नहीं होगी. जैसे ही दोनों आदमी निकलेंगे वहां काउंटिंग 0 हो जाएगी और लाइट्स ऑफ हो जाएगी. तो इस प्रोजेक्ट की वायरिंग बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले आपको दोनों आईआर सेंसर्स को लेना है. इसमें जो वीसीसी और ग्राउंड के पिन्स हैं, इसमें जम्पर वायर्स लगा देना है. उसके बाद ग्राउंड को आर्डुइनो के ग्राउंड से जोड़ देना है. और 5 वोल्ट को जोड़ देना है 5 वोल्ट में. तो इसमें पावर कनेक्शन जोड़ने के बाद इसके जो आउटपुट पिन है तो एक सेंसर को हम लोग को रखना है आउट के लिए और एक को रखना है इन के लिए. यह है आउट के लिए. आउट का जो सेंसर है उसका पिन जो जाएगा वो जाएगा 6 में. आउट का सेंसर का पिन 6 में और अंदर आने वाले साइड यानी इन वाला जो सेंसर है उसका पिन जाएगा पिन नंबर 7 में. ये हम लोग कोड्स से चेंज कर सकते हैं बाद में. अभी के लिए मैंने ऐसा डिफाइन करके रखा हुआ है, कोड्स से आप बदल भी सकते हैं. और एलईडी जोड़नी है पिन नंबर 13 पर. इसकी वायरिंग पूरी हो गई है. तो इसका कोड बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में हमने सेंसर्स को डिफाइन किया हुआ है. ये इन के लिए, ये वाला आउट के लिए और यहाँ पर पिन नंबर 13 को एज एन एलईडी पिन डिफाइन किया हुआ है. ये एक वेरिएबल बनाया मैंने इंटीजर का. ये स्टोर करके रखेगा कि कितना आदमी अंदर है कितना आदमी बाहर है. ये सीरियल मॉनिटर के लिए और ये कुछ डिस्प्ले उस्प्ले के लिए कि और ये यहाँ पर है पिन बोर्ड मैंने सेट किया हुआ है. सेंसर पिन को एज एन इनपुट और एलईडी पिन को एज एन आउटपुट. पहले यहाँ पर लिखेगा पर्सन इन द रूम 0
क्योंकि काउंट अभी जीरो पे सेट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर काउंटिंग का लिखा हुआ है, ये बहुत सिंपल है। अगर इन वाला जो सेंसर है वो अगर रीड वो अगर एक्टिव होता है, एक्टिवेट ट्रिगर होता है, तो इनका फंक्शन चलाया जाएगा। और अगर आउट वाला जो सेंसर है वो ट्रिगर होता है तो आउट का फंक्शन चलाया जाएगा। और ये इन आउट का फंक्शन मैंने यहाँ नीचे में सेट किया हुआ है। इनका फंक्शन में काउंट जो है वो एक एक बढ़ेगा और सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हुआ आएगा कि कितना आदमी है। यहाँ पर एक सेकंड का डिले है कि वापस सेंसर जो दूसरा है वो उसको माइनस नहीं कर दे। और यहाँ पर आउट में भी कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ पर काउंट माइनस किया जा रहा है, यानी अगर कोई आदमी आउट पर ट्रिगर करता है सेंसर को तो वो काउंट में से एक माइनस कर दे। और इसी तरह से काउंट का जो वेरिएबल है वो बढ़ता जाएगा घटता जाएगा। फिर यहाँ पर अगर काउंट जीरो से कम हो तो एलईडी ऑफ रहेगा, और अगर काउंट ज़्यादा हो यानी एल्स तो एलईडी ऑन रहेगा। तो बस इतना ही इसका कोड है, तो इसको अपलोड करते हैं। कोड अपलोड हो जाने के बाद आपको इसको सही जगह पे अलाइन करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको एक इस तरफ और एक इस तरफ अलाइन किया है। आपको अपना डोरवे का जो ये डिस्टेंस है इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, यानी जितना आईआर सेंसर का रेंज हो, आईआर सेंसर का रेंज आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ऊपर में ट्रिमर का डायल रहता है उसको घुमाकर आप इसके रेंज को बढ़ा सकते हो। वाला का भी रेंज को बढ़ा देता हूँ। ध्यान रहे कि दोनों आईआर सेंसर का रेंज जो हो वो एक जैसा हो। मैंने इसको यहाँ अपलोड कर दिया, अब इसको टेस्ट करते हैं। सीरियल मॉनिटर खोलता हूँ, तो सीरियल मॉनिटर पे यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा विजिटर काउंटर, उसके बाद लिखा है पर्सन इन रूम जीरो। फिर उसके बाद जैसे ही अगर कोई इस तरफ से एंट्री लेता है रूम में तो यहाँ पर लिखा जाएगा पर्सन इन रूम वन, और ये लाइट जल जाएगी। इस लाइट की जगह पे हमने जो रिले मॉड्यूल बनाया था पहले एक वीडियो में उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई लैम्प या कोई लाइट को भी जोड़ सकते हैं। टॉकिंग आर्डुइनो बनाया था उसको भी हम लोग इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो ये फिर जैसे ही कोई रूम के अंदर एंट्री लेगा तो ये बोलेगा वेलकम, और जैसे ही कोई बाहर जाएगा वो बोलेगा थैंक फॉर विजिटिंग। ऐसे ही बहुत सारा इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से मान लीजिए कोई बाहर गया तो ये हो गया, अब मान लीजिए दो लोग अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पर दो लोग की काउंटिंग हुई। अब जब तक दो लोग बाहर नहीं जाएंगे लाइट ऑफ नहीं होगा। तो इस तरीके से ये विजिटर काउंटर काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।